अगर आपके पास इस टाइप के खराब स्पीकर पड़े हुए तो भूल कर भी मत फेंक देना। हम इनसे ऐसे जुगाड़ बनाने वाले जो कि आपके पैसे और टाइम दोनों बचाने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। तो भाई ये है मेरे पास एक खराब स्पीकर, और जो खराब स्पीकर है ना कोई सा भी ले सकते हो, बस आपको ध्यान रखना थोड़ी बड़ी साइज होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा छोटा ले लोगे तो वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो पर्दा वर्दा लगा ना ये काम का नहीं है, तो इसको खोल लेंगे। यहाँ पर पर्दा हमारा खुल चुका है, अभी इस स्पीकर को भी हम खोलना होगा। तो ये पुराने जमाने का स्पीकर है तो ये ऐसे नहीं खुलने वाला, इसको यहाँ पर पीछे से कट करना होगा। तो फटाफट से कट करके इसको निकालते हैं। फाइनली गाइस हमने मैग्नेट को बाहर निकाल लिया है, ये पुराने जमाने का स्पीकर है इसलिए यहाँ पर कवर के अंदर लगा हुआ। अब भाई यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप का एंड कैप लेने वाला हूँ, ये 90 mm का पाइप है, इससे छोटा वाला होगा तो भी चल जाएगा, बस आपको ध्यान रखना होगा जो मैग्नेट है इसके अंदर इजिली आनी चाहिए। और साथ में एक पाइप भी लेना होगा जो कि नल फिटिंग की शॉप पर आपको इजिली मिल जाएगा। और अब इस पाइप के अंदर से मुझे लगभग 25 inch के आसपास एक पीस कट कर लेना था। और इस पाइप को हमें यहाँ पर इस एंड कैप के बीच में लगाना होगा, तो यहाँ पर फटाफट से एक होल कर लेते हैं। तो होल होने के बाद में इस पाइप को यहाँ पर लगा देंगे और सुपर ग्लू से चिपका देंगे। अब हमारा जो बचा हुआ पाइप है ना इसको यहाँ पर इस टाइप से रखेंगे, और यहाँ पर देखो इतना बड़ा हम यहाँ पर इस पीस को कट कर लेंगे, लगभग यहाँ पर आधा फीट के आसपास यहाँ पर हम कट करेंगे इसको। तो फाइनली ये कट हो चुका है, और अब यहाँ पर इसको इस टाइप से लगाना होगा। तो देखो यहाँ पर अगर डायरेक्टली इस टाइप से लगाएंगे तो काफी ज्यादा बेकार लगेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको राउंड में कट कर लेते हैं और यहाँ पर उसको इस टाइप से चिपका देंगे फटाफट से। लीजिए भाइयों हमारा हैंडल बनके तैयार हो चुका है, और देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर होल करके इसको फंसा दिया है, तो ये मजबूत भी रहेगा, सुपर ग्लू से भी चिपका दिया है, और ये जो है थोड़ा बढ़िया भी लग रहा है। देखो आगे से कुछ भी नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पर हैंडल लगा रखा है, और काफी ज्यादा प्यारा भी लग रहा है। अब इसको साइड में रखते हैं, और यहाँ पर एक वायर लेना होगा। देखो ये मोटा सा हमारे पास लोहे का वायर है, और ये काफी ज्यादा मजबूत भी होना चाहिए थोड़ा। लीजिए भाई हमारा तार सीधा हो चुका है, और अब यहाँ पर क्या करना होगा इस मैग्नेट को यहाँ पर इसके अंदर लगाना होगा। तार सीधा होने के बाद में हमें क्या करना होगा इस मैग्नेट के बीच में लगाना होगा यहाँ पर। तो ये जो होल काफी ज्यादा बड़ा है, तो हमें यहाँ पर एक जुगाड़ लगाना होगा, एक स्टेप का देखो लकड़ी का जो हमारे पास एक व्हील है जो कि हमने लकड़ी से कट करा है, इसको बीच में स्टेप से लगा देंगे, और बीच में इस वायर को लगा देंगे, और ग्लू गन से इसको चिपका देते हैं। देखो इसका ग्लू सूख चुका है, और ये परफेक्टली यहाँ पर फिक्स हो चुका है, अब निकलने वाला नहीं है। अब हमारी ये वाली बॉडी लेंगे जो कि हमने बनाई थी अभी यार, और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा पाइप का हैंडल लगा है ना हमने, इसके जस्ट नीचे की साइड में, इतना नीचे की साइड में हम लेंगे और यहाँ पर एक होल कर देंगे। एक और होल इसके जस्ट ऊपर की साइड में करेंगे। तो देखो हमारा लंबा सा एक होल हो चुका है इसके अंदर। अब ये जो वायर दिख रहा है ना आपको जिसमें हमने मैग्नेट लगा रखा है, इसको इस पाइप के अंदर डाल देंगे इस टाइप का, और ये जो लंबा सा होल करा ना इसके अंदर से इस वायर को निकाल देंगे बाहर की साइड। अब यहाँ पर एक प्लास्टिक की शीट ले रहा हूँ, और ये पतली वाली शीट आपको लेनी है और मजबूत लेनी है, ठीक है? आपको लोहे की नहीं लेनी, प्लास्टिक की शीट लेनी है, और यहाँ पर इसको नीचे की साइड में इस टाइप से रखना होगा, और उसके बाद में सुपर ग्लू से इसको चिपका देना होगा। फाइनली गाइस हमारा जुगाड़ बनके तैयार हो चुका है, और यहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ पर यूज आने वाला है वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर कलर कर देते हैं क्योंकि ये जो कलर के बिना अधूरा लग रहा है। फाइनली गाइस हमारा जुगाड़ बनके तैयार हो चुका है, अब जान लेते हैं काम कैसे करेगा। इसके लिए हमें बाहर की साइड में चलना होगा जहाँ पर हम कटिंग वटिंग करते हैं, घिसाई विसाई करते हैं वहां पर। चलो फटाफट। पर यार ये किसने डाल रखा था रास्ते में यार, सारा का सारा बिगड़ गया ना। लेकिन गाइज हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमने जुगाड़ बनाया ना ये यहाँ पर काम करने वाला है। देखो ये कैसे काम करेगा, जैसे हम इसको इस तरफ से घुमाएंगे ना सारा का सारा हमारे एक साथ इसके साथ में आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे, और देखो ये जो मैंने बटन है ना इसको दबाता हूँ सब कुछ छोड़ देगा। वापस हम यहाँ पर लाएंगे इसको इस तरफ से समेटेंगे, ये सारा सारा आ चुका है, और इसके बाद में यहाँ पर इसको रख के छोड़ देंगे। अभी आपको लग रहा है वो टाइम पास होगा ये, तो देखो ये जो है ना काफी बड़ी बड़ी चीजों को भी उठा सकता है। ये मेरे पास एक प्लेट है जो कि देख सकते हो लोहे की, 1 kg की वजन है इसका, और ये देखो एक और हमारे पास इससे मोटी वाली प्लेट है, 1.5 kg का वजन है इसके अंदर, और ये इस टाइप के चेन चक्के है ये है। मान लीजिए कोई जो है खराब चीज है, जैसे मान लीजिए ऑयल वोल लगा हुआ है, या फिर वो जो है गर्म है, या फिर इस टाइप की चीज है जो आपको पकड़ना है लेकिन आप नहीं पकड़ सकते हाथ से, आपके पास ग्लव्स भी नहीं है, तो इसका यूज कर सकते हो। देखो ये प्लेट डायरेक्टली इस टाइप से रखेंगे, ये देखो प्लेट उठा लिया ना, पूरा का पूरा प्लेट उठा लिया इसने। अब इसको छोड़ना ना, तो इसके लिए यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे इस टाइप से, देखो छोड़ दिया। अभी इस प्लेट को भी उठाएंगे, देखो इजीली उठा लिया इसने। देखो अब इसको छोड़ना है, यहाँ पर बटन दबाएंगे, देखो इस टाइप से चेन चक्का भी उठा लिया है, देखो इस टाइप से चेन चक्का नीचे की साइड में आ चुका है, और इसको छोड़ना है, ये देखो, ये देखो भाई साहब।
देखो भाई साहब, यहाँ पर अभी कटिंग वटिंग करी थी, लोहे का काफी ज्यादा बुरा दा है जो कि पाँव में चुभ सकता है, कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से इसको घुमाएंगे ना तो सारे के लोहे के जो कतरन है ना सारी सारी आ जाएगी इसके अंदर और हमारे पाँव में नहीं चुभेगी। कोई कील वील बिखरी हुई है तो वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगा और इस टाइप से हम इसको उठा सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखो भाई साहब, ये कितना ज्यादा काम की चीज है, बहुत सारे कमेंट करेंगे हम हाथ से भी तो उठा सकते हैं। देखो भाई, जब भी हम कटिंग वटिंग करते हैं ना तो कटिंग के दौरान ऐसी बारीक बारीक चीजें निकलती है जो हाथ को फाड़ सकती है, हमारे जो है लोहे की फांस जो है ना उंगली के अंदर फंस सकती है। मेरे साथ बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि उंगली के साथ में चली गई और काफी ज्यादा दर्द भी होता है, फिर डॉक्टर के पास जाकर उसको चीरा निकाल कर निकलवाना पड़ता है। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हम डायरेक्टली इस टाइप से उठा सकते हैं और ले जा सकते हैं। देखो भाई, तो ये जो है ना मिस्त्री लोगों के काफी ज्यादा जो काम आने वाला है। और अगर आपके घर के अंदर भी जैसे कीले वेले होती ना, जैसे कि टायर वायर पंचर कर सकता है, रस्ते पे पड़ी हुई है, तो वहां पर भी आप इनको घुमा सकते हो इस टाइप से। जितने भी कीले वेले कभी मिट्टी के अंदर भी दबी होगी ना, सारी सारी खींच लेगा, निकल जाएगी, उसको एक बार दबाने के बाद में सारी के सारे छोड़ भी देगा। ये वाला जुगाड़ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।